हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साल 2022 में, जी हाँ दोस्तों, साल 2022 में एक स्टेज शो का कितना पैसा चार्ज करेंगी भोजपुरी की लेडीज गायिका। दोस्तों बता दूं कि इस लिस्ट में काफी छोटी छोटी गायिका भी है दोस्तों, जो कि अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में नई नई उभर रही है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं इन गायिका के बारे में कि ये एक स्टेज शो का कितना पैसा चार्ज करती हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे खुशबू उत्तम की। जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के काफी पुरानी कलाकारों में से एक खुशबू उत्तम को माना जाता है और इनका गाना भी यूपी बिहार में पूरा चलता है दोस्तों। और ये एक स्टेज शो का 40 से 50 हज़ार रुपया चार्ज करती हैं दोस्तों, और ये भोजपुरी इंडस्ट्री की काफी बेहतरीन गायिका है। चलिए अब बात कर लेते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की एक नई गायिका जो की उभरती हुई गायिका है, नेहा राज। तो दोस्तों बता दूं कि नेहा राज का भी गाना ड्यूट गाना काफी चल रहा है, इनका सिंगल गाना कम ही चलता है और ड्यूट गाना ज्यादातर चलता है। बता दूं कि नेहा राज एक स्टेज शो का 50 से 60 हज़ार रुपया चार्ज करती हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में ज्यादातर इनका गाना आजकल सुना जा रहा है और इनका स्टेज शो भी देखा जा रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की एक और गायिका की। तो दोस्तों बता दूं कि उनका नाम है अमृता दीक्षित। जी हाँ दोस्तों, अमृता दीक्षित जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री की काफ़ी बेहतरीन गायिका हैं और एक से एक बड़ बड़ हिट हिट एल्बम अमृता दीक्षित ने भी दिया है। बता दूं कि अमृता दीक्षित एक स्टेज शो का, जी हाँ दोस्तों, एक स्टेज शो का अमृता दीक्षित 70 से 80 हज़ार चार्ज करती हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे हिट हिट एल्बम इन्होंने भी दिया है। चलिए अब बात कर लेते हैं सोना सिंह के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सोना सिंह का गाना पूरा यूपी बिहार में चलता है दोस्तों, और कौन भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा सिंगर नहीं होगा जो सोना सिंह के साथ गाना नहीं गाया होगा एक दोस्तों, या भोजपुरी इंडस्ट्री में सोना सिंह का फैन फॉलोइंग काफी है दोस्तों। और बता दूं कि सोना सिंह स्टेज शो भी काफी करती हैं और ये एक स्टेज शो का 60 से 80 हज़ार रुपया चार्ज करती हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री की काफी बेहतरीन गायिका है सोना सिंह। चलिए बात कर लेते हैं अब भजन सम्राट के नाम से जानी जाने वाली गायिका, जी हाँ दोस्तों, जो कि भजन भोजपुरी इंडस्ट्री की काफी गाती हैं, अंजलि भारद्वाज के बारे में। दोस्तों बता दूं कि अंजलि भारद्वाज एक अलग प्रकार की सिंगर है और इनका आवाज भी काफी अच्छा है दोस्तों। बता दूं कि अंजलि भारद्वाज एक स्टेज शो का 50 से 70 हज़ार रुपया चार्ज करती हैं दोस्तों और भोजपुरी इंडस्ट्री की काफी बेहतरीन गायिका हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं निशा उपाध्याय की। तो बता दूं कि निशा उपाध्याय का आजकल स्टेज शो ज्यादातर देखा जा रहा है, चाहे वो गोलू गोल्ड हो या सुभेश मिश्रा हो या भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े कलाकार के साथ अक्सर निशा उपाध्याय नजर आती रहती है और निशा उपाध्याय का स्टेज शो ज्यादातर दोस्तों होता है और आप उनको स्टेज शो ही से ही पहचान मिला है दोस्तों। बता दूं कि निशा उपाध्याय एक स्टेज शो का 70 से 80 हज़ार रुपया चार्ज करती हैं दोस्तों और ये गाने कम ही गाती हैं, ज्यादातर स्टेज शो ही करती हैं दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं खुशबू तिवारी के बारे में। तो बता दूं कि एक समय था जब खुशबू तिवारी भोजपुरी इंडस्ट्री के युवाओं के दिलों पर राज करती थी दोस्तों और खुशबू तिवारी का गाना हर जगह सुना जाता था दोस्तों, लेकिन आजकल उनका गाना कम आ रहा है। लेकिन दोस्तों बता दूं कि वो स्टेज शो करती रहती हैं और वो खुशबू तिवारी एक स्टेज शो का 70 से 80 हज़ार रुपया चार्ज करती हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री की काफी पुरानी कलाकार हैं खुशबू तिवारी। चलिए अब बात करते हैं लैला पुदीना एल्बम से पहचान बनाई हुई अनुपमा यादव। जी हाँ दोस्तों, आप तो अनुपमा यादव को जानते ही होंगे और अनुपमा यादव किसी पहचान के मोहताज नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री में। बता दूं कि अनुपमा यादव एक स्टेज शो का 80 से 90 हज़ार रुपया चार्ज करती हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री की काफ़ी बेहतरीन गायिका अनुपमा यादव को भी माना जाता है। चलिए बात कर लेते हैं अब प्रियंका सिंह के बारे में। तो दोस्तों बता दूं कि कंटिन्यू पवन सिंह के साथ एल्बम प्रियंका सिंह गाती हैं और सुर संग्राम में भी प्रियंका सिंह जाकर अपना दबदबा कायम कर चुकी हैं और प्रियंका सिंह का आवाज काफी अच्छा है और ये एक स्टेज शो का प्रियंका सिंह 90 से 1 लाख रुपया चार्ज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक स्टेज शो का प्रियंका सिंह 90 से 1 लाख रुपया चार्ज करती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की चहेती गायिका आंतरा सिंह प्रियंका। जी हाँ दोस्तों, जो की भोजपुरी इंडस्ट्री की शेरनी कहा जाता है इनको और भोजपुरी इंडस्ट्री में इन्होंने बहुत सारे हिट हिट एल्बम दिया है। बता दूं कि आंतरा सिंह प्रियंका एक स्टेज शो का, जी हाँ दोस्तों, ये हालांकि स्टेज शो कम करती हैं दोस्तों, लेकिन ये एक स्टेज शो का 1 लाख से 1 लाख 50 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1 लाख से 1 लाख 50 हज़ार रुपये चार्ज करती हैं आंतरा सिंह प्रियंका और भोजपुरी इंडस्ट्री की काफ़ी बेहतरीन गायिका इनको माना जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की नंबर वन गायिका और सबसे ज़्यादा भोजपुरी इंडस्ट्री में चार्ज करने वाली गायिका की। तो दोस्तों बता दूं कि इनका नाम है शिल्पी राज। जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पैसा चार्ज करने वाली स्टेज शो की गायिका अभी शिल्पी राज हैं और शिल्पी राज का गाना भी यूपी बिहार
दरबार में खूब सुना जाता है दोस्तों। बता दूं कि शिल्पी राज भोजपुरी इंडस्ट्री के एक बेहतरीन गायिका हैं और हर कलाकार के साथ हर एक्टर के साथ ये गाना गा चुकी हैं दोस्तों। बता दूं कि शिल्पी राज एक स्टेज शो का 2 लाख रुपया चार्ज करती हैं। जी हाँ दोस्तों, शिल्पी राज एक स्टेज शो का 2 लाख रुपया चार्ज करती हैं और ये भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे महंगा गायिका है अभी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भोजपुरी समाज।